अच्छा जी, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ऊपर का नमस्कार कल्याणी साहब, नमस्कार देसाई साहब। नमस्कार। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार अभिषेक, प्रकृति जी नमस्कार। चलिए हम लोग टाइम पर ही हैं। आज दो लोग तो हमारे बीमार हैं, अंकुर और आकांक्षा, बस उन्हें कोविड ना हो, बाकी सब तरह से ठीक हो, कोई बात नहीं है, यही प्रार्थना करते हैं। कोविड अभी काफी फैल रहा है ना। कोविड बहुत फैल रहा है तो डर लगा रहता है, कोई भी कहता है ना कि आई एम नॉट वेल तो डर लगा रहता है कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मेरा पूरा ससुराल कोविड में है। ओ माय गॉड, जरा देखिए आपका अपना आठवां हाउस भी चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, वो तो वाइफ, लास्ट वीक वाइफ थी ना, मैंने आपको बताया तो था, इसलिए हम लोग उसमें आ गए अभी। अच्छा। वरना उसी की महादशा चल रही है, शुक्र की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम शुरू करते हैं पंचांग के बारे में। अच्छा। पंचांग थोड़ा पढ़ेंगे और कल फिर हम पढ़ेंगे भाव, भावेश और कारक, क्योंकि प्रेडिक्शन के पास हम जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो दशा पहले कल पढ़ेंगे, भाव भावेश कारक, फिर पढ़ेंगे दशा, और फिर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो अभी पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पंचांग जो हमारा है उसमें तिथि, वार, नक्षत्र या योग या कर्ण, जो चीजें होती हैं, पांच चीजें होती हैं, पंचांग पांच अंगों से मिलकर बना होता है, तो उस पंचांग की ये चीजें हैं क्या और इनका यूज क्या है, ये एक करने वाली बात। तो हाँ अनिल जी आप भी पहुंच चुके हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो मैं पंचांग के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जी सर। इसको चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा आवाज अपने सब जगह से। तो पंचांग में पांच चीजें होती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये पांच अंग होते हैं जिनसे मिलके पंचांग बनता है। नॉर्मली जब भी हम कुंडली वगैरह देखते हैं या कुंडली का हमारे पास आती है तो इन सब चीजों का, वैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, इनका योग, इनका यूज डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे प्रेडिक्शन के केस में जब कुंडली एनालिसिस करते हैं उसमें भले ही इतना ज्यादा ना हो, लेकिन मुहूर्त के केस में तो इनका बहुत इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग ने मुहूर्त वगैरह पढ़ा तो मुहूर्त के केस में ये काफी इस्तेमाल होती है। तिथि वगैरह आपने सुना भी होगा, भद्रा तिथि होती है, ऐसी कई तरह की तिथियां होती हैं जिनमें कोई भी काम करना वर्जित होता है। ऐसी कुछ वार होते हैं, कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ योग होते हैं, कुछ कर्ण होते हैं।
तो ये पांचों चीजें जो हैं ये इंसान की करेक्टरिस्टिक को भी शो करती हैं, जातक की करेक्टरिस्टिक को भी शो करती हैं, प्लस साथ ही साथ मुहूर्त के अंदर इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। लेकिन इनका आइडिया होना बहुत जरूरी है कि हमें कई बार कुंडली हमसे कहता है जी 4 अगस्त 1961 की कुंडली बनानी है या 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था, तो वो सब चीजें कैसे हम एकदम निकालेंगे कि उस दिन क्या दिन था, क्या वार था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या योग चल रहा था, क्या करण चल रहा था, तो इसके लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी है। तो मैंने जैसे कहा कि पंचांग शब्द 5 अंक से मिलकर बना है और इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण, ये चीजें 5 चीजें इसके अंदर आती हैं। इन 5 अंगों का आधार दैनिक आधार पर ज्योतिष के सरल उपयोग हेतु दर्शाया जाता है और हिंदी एफएमएरिस को पंचांग भी कहते हैं। मैंने शायद आप लोगों में से किसी ने पंचांग खरीदा हो या ना खरीदा हो, पंचांग में ही सब चीज की होती है कि किसी मैंने खरीदा है सर। खरीदा है आपने? अभी आपने बताया ना लास्ट टाइम, इसलिए मैंने इस वीक में मंगवा लिया, मेरे पास आ गया सर। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल। पंचांग इसको एक बार वैसे ही पढ़ के देखेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं पंचांग के अंदर। मेरे पास अच्छा है, मेरे पास सामने रखता हूँ वैसे जनरली। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे पंचांग कभी को जन्म कुंडली निकलती है तो उसका फर्स्ट पेज अगर आप देखें तो उसके अंदर कई सारी चीजें मेंशन होती हैं, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होता है, टाइम जोन मेंशन होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेंशन होता है। ये मैंने आपको पढ़ाए भी हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, लोकल टाइम करेक्शन क्या है, लोकल मीन टाइम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, ऐसी तिथि की भी बहुत मेंशन होता है कि ये जो जातक पैदा हुआ है ये कौन सी तिथि को हुआ है, एकादशी को हुआ है, द्वादशी को हुआ है, त्रयोदशी को हुआ है, क्योंकि तिथि का भी फर्क बहुत पड़ता है जातक के नेचर के ऊपर। तिथि से बहुत चीजें डिपेंड करती हैं कि किस तिथि में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी नेचर किस तरह की होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो प्रेडिक्शन में इस्तेमाल होती है और इसके अलावा तिथि का इस्तेमाल मुहूर्त में बहुत होता है। फिर हमारा कौन सा वार था, वार का भी असर हमारे करेक्टर पे, करेक्टरिस्टिक पड़ता है कि कैसी करेक्टरिस्टिक इंसान की होगी। फिर पक्ष क्या था हमारा, शुक्ल पक्ष था या कृष्ण पक्ष था। आप लोगों ने शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सुना है सब लोगों ने? आपने बताया था ना? अच्छा मैंने बताया था, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून ना। हाँ, वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून वाला जो है शुक्ल पक्ष को और कृष्ण पक्ष होता है। और योगा योग कितने तरह के होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको भी, योग, करण, तिथि, वार, नक्षत्र, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं ये हम लोग अभी इसमें सीखेंगे। थोड़ा इसका ब्रीफ आइडिया होना बहुत जरूरी है, ऑल्दो आज की डेट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हर चीज अवेलेबल है, लेकिन अपने आप से आइडिया होना जरूरी है, अपने आप से निकालना भी एक बार बहुत जरूरी है। वो निकालेंगे तभी आपको महसूस रहेगा कि हाँ आपको कोई चीज समझ में आई है और एक सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा। हाँ, गति, पल और घंटा, मिनट और योग और ये सब आते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीजें इसमें चेक करेंगे। तो तिथि हमारी जो होती है आपको मालूम ही है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है कितने दिनों में, कोई बताइए? 2 दिन में आई थिंक, सवा दो दिन, 2.20 दिन, सवा दो दिन तो राशि में होता है जी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, पूरी पृथ्वी का 360 डेज? वेरी राइट 360 डेज। देखिए सिंपल सा सिद्धांत है, 30 डिग्री एक राशि की राशि 30 डिग्री के बराबर होती है, उसमें सवा दो दिन रहा तो 30, और जब पृथ्वी का तुम चक्कर लगाओ आप पूरा 360 डिग्री का, तो 30 × 12 तिथि हो गई, 12 करके आप उसको निकाल सकते हैं कि आपका कितनी टोटल मिला के 30 तिथि एक महीने के अंदर हो जाती हैं, 30 तिथि बन जाती हैं। तो तिथि का मान कैसे निकालते हैं, उसका निकालने का तरीका सिंपल ये होता है कि चंद्रमा का क्या लॉन्गिट्यूड है, चंद्रमा का भोगांश कितना है, उसमें से सूर्य का भोगांश माइनस कर देते हैं और 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 360 डिग्री का पूरा चक्र होता है जिसको पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और 30 तिथि होती है एक महीने में, तो 30 की तिथि को 12 तिथि, 12 डिग्री से एक डिवाइड करेंगे तो एक तिथि हमारी आ जाएगी। तो चंद्रमा का भोगांश कितना है, सूर्य का भोगांश कितना है, उसको 12 से डिवाइड करने पर हमारा इसमें तिथि निकल जाती है। अब जैसे हमारी इस सामने वाली कुंडली के अंदर भी सूर्य का हमने दिया हुआ है कि सूर्य 2 नंबर राशि में है, सूर्य वृषभ राशि में है और 0 डिग्री है और 3 मिनट का है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सूर्य 1 साइन पास
जीरो डिग्री थ्री मिनट, ऐसे लिख सकते हैं इसको सूर्य को? हाँ बराबर, ठीक है। चंद्रमा को हम लिखेंगे दो साइन पास 23 डिग्री 43 मिनट, यानी एक साइन जो होता है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री का एक साइन होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होती हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। ये आप याद रखिए, थोड़ा इससे कैलकुलेशन हमारी आगे इसमें रहेगी। एक साइन जो होता है, एक राशि 30 डिग्री के बराबर होती है, तो एक साइन 30 डिग्री का हो गया और एक डिग्री में 60 मिनट होती है, एक मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो कहने का ये है, तो मतलब है कि चंद्रमा का भुवांश में से सूर्य का भुवांश अगर हम लोग माइनस करेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो हमें तिथि मिल जाएगी कि किस तिथि के दिन जातक पैदा हुआ है। जैसे इसी कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो, अच्छा तिथि आरंभ कब होती है? जैसे चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ता है तो पहली तिथि हो जाती है। सूर्य से जब चंद्रमा आगे बढ़ेगा तो वो शुक्ल पक्ष होगा, क्योंकि चंद्रमा फिर बढ़ोतरी की ओर जाएगा, चंद्रमा बढ़ता हुआ जाएगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एक घंटे लाए गए तो हमारा, हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है, ठीक है ठीक है। तो जैसे जैसे चंद्र सूर्य से आगे बढ़ता है वैसे वैसे तिथि आरंभ होनी चालू हो जाती है, यानी चंद्र सूर्य से आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा की चमक यानी चंद्रमा जो है आपका बढ़ता चला जाएगा, तो वो तिथि हमारी पहली तिथि आरंभ हो जाएगी, और जब इसका अंतर 12 डिग्री पहुंच जाएगा तो पहली तिथि हमारी कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम प्रतिपदा बोलते हैं। 30 तिथियां होती है हमारी, एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है और पहली तिथि को हम प्रतिपदा बोलते हैं। अब जैसे हमने इसी एग्जाम्पल के अंदर तिथि निकालनी थी, तो जैसे हमने बताया कि सूर्य को हम लोग एक साइन पास 0 डिग्री 3 मिनट लिख सकते हैं और चंद्रमा को दो साइन पास 23 डिग्री 43 मिनट लिख सकते हैं। यहां तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रकृति जी, ये एक और दो का क्या मतलब है? ये एक का मतलब ये है कि एक साइन चल चुका है, एक राशि चल चुका है, दूसरी नंबर राशि में है। ये लिखने का तरीका होता है, एड्रेस लिखने का तरीका होता है। जैसे सूर्य हमारा वृष राशि में है, ठीक है, तो वृष राशि सेकंड नंबर राशि है, तो इसको वी कैन राइट वन साइन पास, यानी एक साइन पास हो चुका है दूसरे नंबर साइन में। अगर कोई ग्रह 5 नंबर राशि में हो तो हम उसको लिख सकते हैं 4 साइन पास, यानी 4 राशि निकल चुकी है। साइन या भाव? 5 भाव साइन, साइन साइन बोलते हैं इसको। नहीं नहीं, लेकिन मान लो कि ये तो आपने मेष लग्न की कुंडली ली, हाँ, अब दूसरा कोई लग्न है तो फिर कैसे गिनेंगे? कोई भी लग्न हो, अब सूर्य अगर 2 नंबर राशि में है तो 1 साइन पास कहलाएगा। मतलब हम सूर्य का ये दे रहे हैं कि किस राशि में है, हम ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, मतलब मान लो कि लियो लग्न की कुंडली है, जी जी जी, और कन्या में वो है, हाँ, मतलब सेकंड हाउस में है, तो उसको हम लिखेंगे 5 साइन पास, क्योंकि 6 नंबर राशि में आ गया वो। अच्छा, ओके ओके, गॉट इट, समझ गया, ठीक है। हाँ। तो जिस नंबर, जो एक नंबर राशि, मेरा कहने का मतलब यह है कि चूंकि यहाँ सूर्य 2 नंबर राशि में है, इसलिए हम सूर्य को लिख रहे हैं कि 1 साइन पास 0 डिग्री 3 मिनट, और चंद्रमा की जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा 3 नंबर राशि में है, तो 2 साइन पास लिख रहे हैं, 2 साइन पास 23 डिग्री 43 मिनट। बराबर, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रकृति जी, नहीं ठीक है, नहीं। स्वस्तिका आई आज? अच्छा, शायद आज ज्वाइन नहीं किया है, तो यहां तक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोगों ने ये वैल्यू तो नोट कर ली, अब वैल्यू नोट करने के बाद हमने देखा कि हमारा फॉर्मूला था कि चंद्र का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा फॉर्मूला था। तो चंद्र का भोगांश हम लोगों ने लिख लिया था
कि 2 sin pass 23 degree 43 minutes, सूर्य का भुगांश हम लोगों ने लिख लिया था 1 sin pass 0 degree 3 minutes, तो 2 sin pass 23 degree 43 minutes में से हमने ये माइनस वैल्यू माइनस करनी है। अब कैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लिया सूर्य का, ओ ये सारी स्क्रीन ही वाइट हो गई है लगता है आपको, अच्छा जैसे ये 2 sin pass 23 degree 43 minutes है, ये 1 sin pass 0 degree 3 minutes है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक साइन की वैल्यू कितनी होती है, 30 degree, एक साइन की वैल्यू होती है 30 degree, और एक डिग्री बराबर होता है 60 minutes, ठीक है। तो अब क्या है कि 2 sin 23 degree है, 2 sin 23 degree, तो 2 sin को तो पहले हमने डिग्री में चेंज कर लिया, तो ये कितना हो गया, 2 sin हो गया हमारा 60 degree प्लस 23 degree 43 minutes, यानी 83 degree 43 minutes, ये हमारा पहला वाला हो गया। हाँ। माइनस 1 sin pass, 1 sin का मतलब हुआ 30 degree प्लस 0 degree, तो 30 degree रह गया, तो 30 degree 03 minutes इतना रह गया, हाँ मतलब 53 40 बराबर, तो 53 degree 40 minutes का रह गया 12, ठीक है, तो 53 degree 40 minutes को हम 12 degree से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 का तो भाग पूरा चला जाएगा हमारा, 12 4 जा 48 12 5 जा नहीं जाएगा, इसका मतलब यह है कि 4 तिथि कंप्लीट हो चुकी है, 5वीं तिथि चल रही है, इस आंसर का मतलब है कि 4 तिथि कंप्लीट हो चुकी है, 5वीं तिथि इज ऑन गोइंग, समझ में आया ये, क्योंकि अगर 12 डिग्री पूरा हो जाता तो तिथि कंप्लीट हो जाती, लेकिन क्योंकि 4 का 12 से केवल 4 ही से भाग आया है हमारा, 4 हमारा भागफल आया है, तो 4 भागफल आने का मतलब यह हुआ कि हमारी 4 तिथि तो कंप्लीट हो गई है 12 डिग्री के हिसाब से, अभी 5वीं तिथि चल रही है वो कंप्लीट नहीं, वो कंप्लीट जब होगी जब ये भी 12 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये हिस्सा भी 12 डिग्री हो जाएगा, तब ये 12 से 12 कट जाएगा, तब ये तिथि 5 हो जाएगी, तो अभी ये 5 तिथि नहीं हुई है, 5वीं तिथि हमारी चल रही है, 4 तिथि हमारी कंप्लीट है, तो जो भी भागफल आए उसमें 1 जोड़ दीजिए तो वो तिथि चल रही है हमारी। अब इसके अंदर इतना ध्यान रखना है कि तिथि 15 या 15 से कम है तो ये तिथि कहलाती है शुक्ल पक्ष की तिथि, तिथि की वैल्यू 15 या 15 से कम आती है तो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और किसी की वैल्यू 15 से अधिक आती है, 16 आती है, 17 आती है, 18 आती है, तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। 15 आए तो पूर्णमासी हो गया ना, पूर्णमासी, ओके, और एग्जैक्ट हो गया तो फिर अमावस्या, फिर अमावस्या आ गया, 30 हो गया तो सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई तिथि 2 होती है, 2 बार आती है, या किसी कोई स्थिति मतलब तिथि का क्षय हो जाता है, नहीं आती है वो, हाँ वो मैं 6 तिथि कैसे होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, तिथि 6 कैसे होती है वो बताना है मुझे आपको, तो अभी मतलब हम लोगों ने ये देखा कि तिथि हम लोग निकालते कैसे हैं, सिंपल फार्मूला कि चंद्र का लॉन्गिट्यूड लीजिए माइनस सूर्य का लॉन्गिट्यूड लीजिए डिवाइडेड बाय 12 कर, और जितना भागफल आए उसमें 1 जोड़ दीजिए तो वो आपकी तिथि आ गई, 15 या 15 से कम वैल्यू आ रही है तो शुक्ल पक्ष की तिथि है, और 15 से ऊपर वैल्यू आ रही है तो कृष्ण पक्ष की तिथि है, ये तो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें तिथि इस तरह से है हमारी सारी, ये 15 तिथि हमने इसमें दी हुई है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से लेके षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और फिर पूर्णिमा, 15 तिथि आ गई हमारी, तो 15 आ गई पूर्णिमा हमारी, और फिर 15 से 30 जब आ जाएगा तो हमारा अमावस्या हो जाएगा, तो कृष्ण पक्ष हमारा वो हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तिथि 1 से 15 तक के बीच में हो तो शुक्ल पक्ष, और अगर 16 से 30 के बीच में हो तो कृष्ण पक्ष, अगर आंसर हमारा ये आ रहा है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें हम लोग लेते हैं तिथि का, एक सेकेंड,
एक मिनट अभी लेते हैं जरा इसका, यहाँ कोई तिथि का हमने कोई एग्जांपल दिया है क्या? अच्छा ये वाली कुंडली देखिए आप लोग, ये सब देख पा रहे हैं? हाँ। अच्छा इसमें अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि ये जो जातक है ये किस तिथि को पैदा हुआ होगा? तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि चंद्र का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश, तो चंद्र का भोगांश कितना है? चंद्र का बताइए 25.34। नहीं चंद्र का तो 20.17। हाँ, लेकिन उससे पहले साइन पास की लिखना पड़ेगा। नाइन साइन पास 20 डिग्री, चलो इतना ले लेते हैं, मान लेते हैं। और सूर्य का 6 साइन पास और 25 डिग्री, 6 साइन पास 25 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारा फार्मूला हो गया 9 साइन पास 20 डिग्री माइनस 6 साइन पास 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। तो 9 साइन पास हमारा हो गया कितना, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया 270। 270 डिग्री ये हुआ और 20 डिग्री ये है, तो 290 डिग्री हो गया हमारा टोटल। माइनस 6 साइन पास, तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गया, और 25 ही हो गया 205। 205 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हमारा आ गया 85 डिवाइडेड बाई 12। तो 7 तो पूरा चला गया, 12 से 84, 7 से ऊपर कुछ आंसर आता है। कहने का मतलब यह है कि 7 तिथि पूरी हो चुकी है, अष्टमी चल रही है। अष्टमी के दिन ये पैदा हुआ है, क्योंकि 7 तिथि तो कंप्लीट हो गई है, अष्टमी के दिन पैदा हुआ है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी ना, शुक्ल पक्ष की अष्टमी में हो गया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अंदर ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को तिथि की वैल्यू भी निकालनी है। मेरे इसमें तो समझ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रकृति जी यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको तो बता दीजिए, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, समझ सब ठीक है? ठीक है जी सर, ठीक है, आ रहा समझ में सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ गुड जी सर। तो तिथि का मतलब ये होता है कि तिथि हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब इसके अंदर हमारा आता है तिथि का, आप समझ गए। अब इसके बाद आता है हमारा वार, कि वार का भी यूज होता है हमारा, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट तिथि या डिफरेंट वार पे पैदा होने वाले जातक की करेक्टरिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो मैंने इसमें आगे दी हुई है, वो आपको चला जाएगा तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनका बहुत ज्यादा यूज प्रेडिक्शन में नहीं होता, इनका यूज होता है जब हम मुहूर्त की बात करते हैं, तब ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन मालूम होना जरूरी है एज ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आपको ये मालूम होना जरूरी है कि कैसे तिथि निकालते हैं, कैसे वार निकालते हैं, कैसे नक्षत्र निकालते हैं। अब आता है वार निकालना। देखिए वार निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कहे कि भाई 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन क्या वार था, तो निकाल सकता है? कोई जानता है फार्मूला, कोई निकाल सकता है इसको? नहीं, आइडिया नहीं है। तो ये भी निकालना बहुत जरूरी है, हमें मालूम होना चाहिए एज ए एस्ट्रोलॉजर, फार्मूला मालूम होना चाहिए हमको। मैं तो कहता हूं बल्कि रटा होना चाहिए कि ताकि आप एकदम निकाल सको उसको, या आपके पास कहीं, देखिए आप सब लोग ना एक फोल्डर बना के रखिए, उस फोल्डर में जो है 8-10 पेज ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, ग्रह की उच्च राशि कौन सी है, ग्रह की आपकी किस राशि में नीच का होता है, आपका नक्षत्र कौन कौन से हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनका क्रम क्या है, ये सब चीजों का, और जो ये मैं आपको वार बता रहा हूँ इसके अंदर, ये सब चीजें उसके अंदर निकाल कर रखिए, ताकि हमेशा वो फोल्डर आपके पास एक रेडी रखनर होना चाहिए। जब भी आप कभी देखें बाई चांस आपके पास वो टूल अवेलेबल ना हो, तो एटलीस्ट यहाँ से आप देख के चीजों को निकाल सकें, और धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप समझ जाएंगे, धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सिंपल है लेकिन शुरू में थोड़ी सी चीज याद करनी है कि इसमें क्या किया गया है। 3 तरह के कोड दिए हुए हैं, डे कोड,
मंथ कोड और ईयर कोड, क्योंकि हमारा 15 तारीख है, अगस्त महीना है और 1947 है, ईयर है। तो हमारे तीन चीजें इसके अंदर आती हैं, डे कोड, मंथ कोड और ईयर कोड। ये तीन चीज याद रखनी है। तो इसमें यह ध्यान रखिए कि अगर वैल्यू वन है तो संडे, टू है तो मंडे, थ्री है तो ट्यूसडे, फोर्थ है तो फिफ्थ है तो थर्सडे, सिक्स्थ है तो फ्राइडे, और जीरो वैल्यू आती है आपकी कैलकुलेशन के अंदर। अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे। हाँ, म्यूट कर लीजिए आप। कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी आती है वन से लेके जीरो तक वैल्यू उसमें आपकी आ सकती है। तो जीरो वैल्यू आई तो सैटरडे और वन वैल्यू आई तो संडे, इसका मतलब ये हुआ कि संडे का दिन। अब इसके अंदर ये आपका फार्मूला है, मंथ कोड इसमें दिए हुए हैं कि पहले मंथ को जनवरी का वैल्यू होती है वन, फरवरी की वैल्यू होती है चार, मार्च की वैल्यू होती है चार, यानी 144 हुआ 12 का स्क्वायर। फिर अप्रैल की वैल्यू जीरो होती है, मई की दो, जून की पांच, यानी इन तीनों का हुआ ये 2 और 5 25, यानी 5 का स्क्वायर। फिर तीन का फार्मूला पकड़ लिया ये 0 3 6, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, 36 हो गया तो 6 का स्क्वायर। फिर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पकड़ लिया 146, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। एक तरीका तो ये है याद करने का। दूसरा तरीका ये है जो मैंने, कैसा है ये मंथ के कोड कहां से है? ये कोड आपको मतलब ये स्टैंडर्ड है कोड, अगर ये इस कोड आप रखेंगे तो आपका ईयर निकलेगा, मतलब ये सब बैक कैलकुलेशन करके निकाले गए। अरे ये कोड फिक्स है, मतलब कोड फिक्स है ये वाले, ये बैक कैलकुलेशन करके निकाले गए हैं सारे कि कैसे हम लोग सीधा मंथ के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। इसका एक तरीका ये भी होता है कि एक मैंने मंत्र बनाया था जो जिससे मैं इसको याद करता हूं, ए चा चा यानी एक चार चार, शू दो पा यानी शून्य दो पांच, शू ती छ यानी शून्य तीन और छ, और ए चा छ यानी एक चार और छ। तो मैं इसको याद करता था, ए चा चा शू दो पा शू ती छ ए चा छ, मेरा मतलब ये तो रट गया है ये वाला, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप। नहीं तो आपके पास मैंने कहा ना जैसे कि ये डे कोड क्या है, ये एक चार्ट बना के अपने पास हमेशा रखिए कि क्या कोड होता है, मंथ कोड क्या है, डे कोड क्या है और सेंचुरी कोड क्या है। सेंचुरी कोड में जैसे 1500 के लिए जीरो लगाएंगे, अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई 15 जून 1547 को क्या दिन था, 1547, इतना साल पहले का, तो वो भी आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1500 के लिए जीरो कोड है इसके अंदर, 1600 के लिए 6 कोड है, 1700 के लिए 4 कोड है, फिर 1800 के लिए 2 कोड है, फिर दोबारा 1900 के लिए 0 कोड आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ऐसे ही ये आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे ही ये पीछे घटते चले जाएंगे। मतलब आप इससे 800 BC 700 BC कहीं का भी कैलेंडर का किसी दिन का भी डेट निकाल सकते हैं। तो ये कोड भी आपको ध्यान रखने हैं कि साल 1500 वाला हो तो 0 लगाएंगे आप, 1600 वाला साल हो तो 6 लगाएंगे, 1900 वाला साल हो तो 0 लगाएंगे आप, इस तरीके से 2000 वाला साल हो तो आप 6 लगाएंगे। तो तीन तरह के कोड आपको याद रखने पड़े, एक तो दिन का कोड, संडे का कोड क्या है, सैटरडे का कोड क्या है, दूसरा मंथ कोड जो ये जनवरी का कोड क्या होगा, फरवरी का क्या होगा, मार्च का क्या होगा, और तीसरा सेंचुरी कोड। अब जैसे इसमें हम लोग एक निकालते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 15 अगस्त 1947 है, तो 15 अगस्त 1947 के लिए हमने क्या किया कि जो 15 दिन थे, 15 की जो तारीख थी उसको हमने एज इट इज रख लिया, 15 एज इट इज आ गया। अगस्त, अगस्त की वैल्यू कितनी है, अगस्त का कोड अगर आप देखें तो अगस्त इसमें आता है 3, तो अगस्त के लिए हमने रख लिया 15 प्लस 3। फिर आता है 1947, यानी सेंचुरी कोड कौन सा हो गया, ये 1900 वाला हो गया, तो 0 आ गया, तो 0 रख लिया, प्लस जो 47 है उसको एज इट इज हम लोग रख लेते हैं 47 को, और 47 में कितने लीप ईयर्स होंगे, एक चार साल का एक लीप ईयर होता है ना,
आप लोगों को लीप ईयर मालूम है ना, चार साल का जो होता है एक लीप ईयर। यस सर, जिसमें 29 फरवरी का वो आता है दिन होता है। जी जी सर, वो लीप ईयर होता है। तो हर चार साल में एक लीप ईयर होता है, उसको बोलते हैं। तो 47 साल, क्योंकि 1947 की बात कर रहे हैं, तो 47 साल में 11 लीप ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी तो हम उतना और ले लेंगे। यानी 15 जो दिन है हमने वो एज इट इज ले लिया, अगस्त का कोड हमने 3 ले लिया, 1947 का कोड हमने 0 ले लिया, 47 को हमने एज इट इज रख लिया। फिर 47 में हमने चेक किया कितने हमारे लीप ईयर आते हैं, तो 47 में 11 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि 47 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 लीप ईयर ले लिए, तो ये 76 आ गया। अब 76 को 7 से डिवाइड किया, क्योंकि एक हफ्ता 7 डेज के बराबर होता है, तो रिमाइंडर हमारा आया 6, तो 6 रिमाइंडर आया, तो हमारा दिन आ गया फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 के दिन फ्राइडे था, क्योंकि 6 हमारा आंसर आया है, तो 6 का मतलब है ये फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा फ्राइडे था। ये आपको देसाई साहब समझ में आया ये वाला? गोस्वामी जी कोई म्यूट करके बोलिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। सब लोग मेरे ख्याल से म्यूट कर लिया सब लोगों ने। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग ये दिन निकालेंगे। अब अच्छा, ऐसे ही आप कोशिश कीजिए कि 4 जून 1961 कोई एक तारीख है, इसका दिन निकाल के बताइए क्या दिन होगा। कोशिश कीजिए, मुझे बोलते जाइए मैं क्या लिखूं, मैं लिखता जा रहा सब चला जाऊंगा इसके अंदर। बताया था 4 जून 1961। जी सर। तो 4 ऐसी लिख लिया हम लोगों ने, पहला नंबर। तो चलिए प्लस, अब मंथ का सर वो चार्ट देखना पड़ेगा ना, अभी याद नहीं है। मंथ का चार्ट देखना पड़ेगा। प्लस 5 मार्च है, जून का 5 ये 5 कैसे है फिर? 5 जून का कोड आ गया ना, ये देखिए यहाँ पर जून इज इक्वल टू 5 है, जून का कोड जो है। जून के लिए 5 कोड है। 5 है हाँ, फिर 0 का हमने 5 ले लिया, फिर 0 ऐड करिए, फिर 1961 है तो 1900 के लिए हमने 0 ऐड कर लिया। फिर हम 61 को एज इट इज ले लेंगे, फिर 61 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? ये प्लस क्या है? 61 एज इट इज लेना है, 1961 का जो 1900 का 0 लेके प्लस 61 लेना है आपने। 1900 का कोड तो आपने 0 ले लिया ना। अच्छा हाँ, 15 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 15 लीप ईयर हो जाएंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 61 को, तो 15 लीप ईयर कंप्लीट हो गए, तो 15 यहां जोड़ दिया हमने। इसको हमने जब जोड़ा 4, 5, 9, 9 और 61, 70 और 85 यानी 12 से डिवाइड, 12 चला गया तो 1 बैलेंस आता है, और 1 का मतलब हमारा क्या था? संडे, यानी जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है वो संडे के दिन पैदा हुआ है। ठीक है सर, 2004 है तो फिर जस्ट 4 लीप ईयर, 4 ऐड करना है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहें तो 2000 वाला भी निकालते हैं, ये तो कुछ 30 जनवरी 2000 का रखा हुआ है इसके अंदर, वो तो इजी है। हाँ, ये लीप ईयर का कैसे सिस्टम है सर? लीप ईयर वो 00 वाला नहीं, 2004 या 2000 ऐसा 8 वाला निकाले ना तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, देख चलिए देखते हैं 2008 वाला देखते हैं। ये 4, 6 और 2008 कर दीजिए ना, बाकी सब तो चल जाएगा। 2008 में कैसे करते हैं भाई प्रॉब्लम? या 30 जनवरी 2008 कर देते हैं ना। ठीक है, तो 30 जनवरी का 30 तो हमने ऐसी ले लिया, बराबर है। जनवरी का कोड हमारा क्या हुआ? 1 1। ठीक है, उसके बाद 2000 का कोड हमारा क्या हुआ? 2 2000 का कोड हमारा 6 है।
हाँ तो 2000 का हमने 6 ले लिया प्लस प्लस 2 प्लस प्लस 2 करना पड़ेगा ना, 2 लीप ईयर ना 8 हाँ यानी 2 लीप ईयर गए ना। नहीं 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 हाँ अभी पहले 8 तो लेंगे ना, पहले तो 8 लेना ही है ना, जो बचा वो तो लेना अच्छा, ही है। अच्छा बोले आपने अच्छा 2008 को 2008 को तो 2000 को तो जीरो कर दिया आपने, 6 हाँ, कर दिया हाँ, हाँ, फिर आपने 8 लिया अब फिर उसके 2 लीप ईयर गए। अच्छा ओके ये 2 हो गया तो 31 37 45 47 47 डिवाइड बाय 7। ये लीप ईयर का समझाना, तो लीप ईयर का समझ में नहीं आया। ऐसा होता है सर कि 4 साल में एक बार एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर का मतलब होता है जब फरवरी 29 का महीना होता है, आपको मालूम हो, कहते हैं ना जिनका जिनका डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी होती है वो 4 साल में एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ मना पाते हैं बेचारे, क्योंकि 28 फरवरी का महीना ही होता है हमेशा, फरवरी का, फरवरी का 4 साल में एक बार महीना आता है जब वो 29 दिन का होता है। सर इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, कह सकता हूं सर? हां बोलो। सर जो जो जिस सन को हम 4 से डिवाइड करेंगे वो अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो सर वो लीप ईयर होता है। हाँ सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। जितना कटेगा 4 से, मतलब 4 से जितना कटेगा उतना वो लीप ईयर हो जाएगा। जी सर ठीक है। तो हमारा ये हो गया, जैसे इस जैसे यहाँ 1947 था तो 1900 का तो हमने कोड ले लिया था, 47 हमने एज इट इज कर लिया, फिर 47 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 11 हमारा वैल्यू आ गई थी, तो 11 वैल्यू हमने इसमें ले ली थी लीप ईयर। जी सर। तो यहां तक समझ में आया सब लोगों को? यस सर। चलिए ये देसाई साहब क्लियर है इसमें? अच्छा तो आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे नक्षत्र। नक्षत्र हमारे आप लोगों को मालूम है, आपने काफी कुछ नक्षत्रों के बारे में सुना होगा। तो हमारा तिथि हो गया, हमारा वार हो गया, अब हम बात करेंगे नक्षत्रों की। तो नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र हैं टोटल मिला के, और एक नक्षत्र की वैल्यू कितनी है? मतलब सर एक नक्षत्र की वैल्यू कुछ आइडिया है आपको? एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? ढाई नक्षत्र मिला के एक राशि होती है ना, ऐसा कुछ है ना? हाँ एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 हाँ 2.25 2.25 सॉरी हाँ 2.25 होते हैं, यानी 30 डिग्री होता है ना आपका, 30 डिग्री एक राशि होती है। हाँ तो इसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 इससे डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक नक्षत्र की वैल्यू आती है। एक नक्षत्र का मान जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। जैसे एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, ऐसी एक नक्षत्र का मान बेसिकली क्या है कि आपका ये पूरा एक्लेप्टिक है और इसमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राशियां बनी हुई है, ये टोटल मिला के 12 राशियां हैं इसके चारों ओर, जिनको हमने इनके सिंबल के अनुसार इनका नाम दिया हुआ है। ये 12 राशियां हमारी टोटल बनी हुई हैं। इन 12 राशियां, ये 12 राशि कुछ नहीं है, बेसिकली बड़े बड़े तारों का समूह है, कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स है। तो उन तारों के समूह को हम लोग राशियां बोलते हैं, और वो जिस शक्ल में दिखाई पड़ती है उस शक्ल के हिसाब से उनका हमने नाम रख दिया है। जो लेडीज और जेंट्स का जोड़ा दिखाई पड़ता है उसको हमने मिथुन बोल दिया है, जो एक मेढ़ की तरह या भेड़ की तरह दिखाई पड़ता है उसको हमने मेष बोल दिया है, जो एक बैल की तरह दिखाई पड़ता है उसको हमने वृषभ बोल दिया है, जो एक शेर की तरह दिखाई पड़ता है आकृति उसको हमने सिंह बोल दिया। तो ये बेसिकली ये आपका जो राशि है दैट इज कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स, और ये आपका जो उनकी आकृति है फिगर है उसी को हमने नाम दे दिया है। इसी प्रकार से राशि के अंदर क्या है, अब राशि में तो बहुत बहुत सारे स्टार आ गए एक राशि में, फिर इसके अंदर हमने नक्षत्र बना दिए। नक्षत्र भी कंस्टेलेशन है, नक्षत्र भी तारों का समूह है। एक तो हो गया बहुत बड़े तारों का समूह जिसके अंदर बहुत सारे तारे आ गए, अब एक आ गया कि उस तारों के समूह में छोटे छोटे तारों का समूह, वो हम बात कर रहे हैं। यानी कि ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक छोटा सा ये हो गया, ऐसे करके हमने ये इस तीन से ये पूरा ये राशि बन गई। ऐसे इसके अंदर फिर तीन हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक छोटा हो गया, फिर एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक छोटा हो गया।
तो ऐसे करके मतलब जो ये इसके अंदर है राशि के अंदर तारों के समूह, ये नक्षत्र कहलाते हैं। तो एक राशि में सवा दो नक्षत्र राशियां, वो सवा दो नक्षत्र होते हैं, ये आपको मालूम है कि एक राशि जो होती है वो सवा दो नक्षत्र के बराबर होती है। राशि होती है 30 डिग्री की और उसमें सवा दो नक्षत्र होते हैं, 2.25 एक राशि के। तो एक नक्षत्र की जो वैल्यू आती है वो 13 डिग्री 20 मिनट आती है, और एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, ये मालूम है आप लोगों को? हाँ पता है सर। एक नक्षत्र के चार चरण होते हैं, तो 13 डिग्री को अगर हमने चार से डिवाइड किया तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण आता है, ठीक है? बराबर। 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण आता है, यानी नक्षत्र के एक चरण की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट। तो एक राशि में कितने नक्षत्र हो गए? मैंने कहा था एक राशि में सवा दो नक्षत्र हुए, एक नक्षत्र में चार चरण हो गए, तो सवा दो में 4 × 9 हो गए, यानी एक राशि में 9 नक्षत्र हो गए, तो 12 राशियों में 12 × 9 = 108 नक्षत्र हो गए, 108 चरण हुए ना सर, 108 चरण हो गए नक्षत्र, हाँ, हो गए टोटल 27 नक्षत्र, 27 × 4 ठीक है ना। इसलिए जो 108 चरण होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी मनका होता है या जो माला 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 हम जो जाप करते वो करते हो जाप करते हैं 108 करते हैं, वो नक्षत्रों के बेस पे हमारा डिपेंड करता है। तो यहाँ तक कलानी जी समझ में आया आपको? हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। तो ये हमारे नक्षत्र आ गए, 27 नक्षत्र हमारे होते हैं। अब यही मैंने आपको इसके अंदर बताया है कि 360 डिग्री का एक पूरा एक्लेप्टिक है, वो 27 नक्षत्रों में विभाजित है। एक नक्षत्र का भूगांश 13 डिग्री 20 मिनट है, और किसी भी नक्षत्र को मालूम करना है, कोई ग्रह किस नक्षत्र में है इसको मालूम करना हो तो क्या करना होगा? हमें करना होगा कि ग्रह की कितना लॉन्गिट्यूड है, ग्रह का भूगांश कितना है, उसको 13 डिग्री 20 मिनट से भाग दे देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि ग्रह किस नक्षत्र में है। मान लिया कोई सूर्य ग्रह है, वो 5 नंबर राशि में बैठा है, 20 डिग्री का है, तो हम बोलेंगे सूर्य को 4 sin 5 20 डिग्री, और 4 sin 5 20 डिग्री को अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा, मतलब आएगा कि उस नंबर के नक्षत्र में वो बैठा हुआ। अभी निकाल के दिखाते हैं नक्षत्र आपको, कैसे नक्षत्र निकालना है। जैसे ये 27 नक्षत्र हमारे हैं, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृक्षिरा से लेके शतभिषा पूर्व भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, इनको तीन इस तरह से लिखने का एक रीजन है आपका, क्योंकि जब आपको मैं दशा पढ़ाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो तीन नंबर, ये तीन है, पहला नंबर 10वां नंबर और 19वां नंबर, इनका जो स्वामी होते हैं वो केतु होते हैं। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे ही करके इनके स्वामी फिर शुक्र होते हैं। सर ये कैसे पता करते हैं नक्षत्र कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार के इस नक्षत्र में? हाँ मैंने बताया इसके अंदर बताया है, अभी आपका आगे आएगा। जी सर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों का एक तरीका दिया गया है। दूसरा तरीका ये है इसका लिखने का कि एक नंबर वाला 10 नंबर वाला, 10 का नंबर हुआ आपका 1+0 1 ही हो गया, 19 नंबर 1+9 10 हो गया, 10 फिर 1+0 1 ही हो गया, तो 1 नंबर वाला जो है वो सारा केतु के अंडर में आता है। ये अभी केतु के अंडर या शुक्र के अंडर में छोड़ दीजिए, अभी इतना समझिए कि हमारे 27 नक्षत्र हैं, 1 से लेकर 27 तक, उसको हमने ये लिखा हुआ है। ये नक्षत्र को आप हमेशा एक रेडी रेकनर बना के अपने पास रखिए, अभी तक धीरे धीरे याद होने में टाइम लगता है, मुझे भी अभी 27 नक्षत्र में अगर काउंटिंग करूंगा लगातार तो एक आध नक्षत्र भूल जाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगता है, तो ये नक्षत्र धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। कोई पूछेगा आपसे 19वां नक्षत्र कौन सा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मूल नक्षत्र है, तो इसलिए सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे सर मेष से लेके मीन तक राशि हमारी सीरीज में होती है, मेष के बाद में वर्ष, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, ऐसे होती है सर सीरीज में मीन तक। जी तो ऐसी कि सर ये नक्षत्र जो आपने लिख दिए सामने लिखे हुए हैं नंबर 1 से लेकर 27 तक, सर ये भी सीरीज में होते हैं या हम आगे पीछे कैसे भी पढ़ सकते हैं? ये सीरीज में ही है। जी सर जी सर। जैसे मेष में अश्वनी आ जाएगा, भरणी आ जाएगा, कृतिका भी आ जाएगा, फिर वृषभ में ये नक्षत्र आ जाएंगे, ऐसे करके आएंगे सारे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको आगे। जी सर। अगर चार्ट शो किया है वो चार्ट आप रखिएगा, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जी सर। ये 27 नक्षत्र हमारे होते हैं,
अब ये नक्षत्र वो हैं जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि शुभ नक्षत्र वो नक्षत्र होते हैं, इनमें तीन तरह के नक्षत्र होते हैं, शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र, अशुभ नक्षत्र। शुभ नक्षत्र वो नक्षत्र हैं जिसमें किए गए सारे कार्य सिद्ध होते हैं, तो उसमें ये 15 नक्षत्र माने जाते हैं। इन 15 नक्षत्रों में कहते हैं कि अगर कार्य किया जाए तो वो अच्छा रहता है, कोई भी अच्छा कार्य आप करें तो इन 15 नक्षत्र अगर आपके हों, चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, तो उस दिन वो आप कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। और सर अगर इस नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हुआ तो भी शुभ माना जाएगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल 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 जी सर। तो ये चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, 15 नक्षत्र में, तो शुभ माना जाता है। फिर मध्यम नक्षत्र होता है, मध्यम नक्षत्र पे विशेषतः कोई बड़ा काम नहीं करते, कोई जैसे कोई आप मान लिया कोई इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं या आप किसी कोई गृह प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा आपने घर बनाया है आप उसको प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उस दिन को छोड़ दीजिए इन मध्यम नक्षत्र में, कोई बड़ा काम मत कीजिए, लेकिन सामान्य कामकाज आप कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता इसके अंदर। तो ये नक्षत्र हमारे दिए हुए हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आज ये वाला नक्षत्र शुभ नक्षत्र आज? ये कैसे पंचांग से मालूम चलता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है? जी सर जी। और इसका मैं निकालना आपको सिखाऊंगा अभी कि चंद्रमा से कैसे निकाले। चंद्रमा की वैल्यू देखकर जब आप कुंडली देखेंगे, आज ही कुंडली बनाएंगे, गोचर कुंडली आज की, तो आज ही कुंडली देख के आप कैसे मालूम करेंगे कि चंद्रमा आपके कौन से नक्षत्र में है? जी सर। तो वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है जी सर। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कुंडली देखेंगे आप, कुंडली देख के चंद्रमा देखेंगे और आप बता देंगे चंद्रमा से ये नक्षत्र में पैदा हुआ है बच्चा, या इस नक्षत्र में आज ये नक्षत्र है जी सर। फिर आते हैं अशुभ नक्षत्र। अशुभ नक्षत्र वो नक्षत्र होते हैं, ये कुल मिलाकर चार नक्षत्र हैं, भरणी, कृतिका, मघा और अश्लेषा। ये चार नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें कोई भी अच्छे काम नहीं करने चाहिए, उनमें बाधा आती है। अच्छा, इसमें आप वो वाले काम कर सकते हैं जैसे मतलब बड़े विध्वंसक काम होते हैं, कोई बिल्डिंग गिराना हो, कब्जे हटाने का काम हो, आग लगाने का काम हो, पहाड़ काटने का काम हो, विस्फोट का काम हो, इस तरह का। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। गाय को गया तो खाना लगा दे, खाना लगा दे, वो खा लें थे तो खा लियो, बस तो बाद में खा ले, मुझे बाकी जल्दी ये जाना अगर पागल हो जाएगा जी। तो ये हमारे अशुभ नक्षत्र हैं, चार नक्षत्र जो है इनके अंदर जो जो विध्वंसक काम किए जाते हैं। एक बात इसमें सर आपने बताया सर 15 तो सर हमारे शुभ नक्षत्र हैं, हाँ, और चार सर अशुभ हैं, हाँ, और सर इसका मतलब 15, 4, 19 8 हो गए मध्यम सर, मध्यम हो गए सर। तो अच्छा एक बात सर बताते कि जे की शुभ शुभ नक्षत्र है तो उसमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अशुभ में नहीं करने चाहिए, और तो सर मध्यम में हम कार्य शुभ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उसको मध्यम के बारे में सर क्या? नहीं, मध्यम के बारे में ये है कि मतलब कोई बड़ा काम ना करें उसके अंदर। आप जैसे मान लिया कोई आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, मान लिया तो यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा मतलब ये विशेष काम नहीं है, लेकिन आप कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कंपनी का उद्घाटन कर रहे हैं, या कंपनी का इनोग्रेशन कर रहे हैं, या कंपनी का ग्रह कंपनी में प्रवेश कर रहे हैं, आप कुछ पूजा करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, तो उस दिन ना कराएं जिस दिन कोई बड़ा काम आपका हो। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आपने, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आप कहते हैं कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो कल अगर नक्षत्र वो मध्यम वाला नक्षत्र है तो उस दिन स्टार्ट ना करें, शुभ नक्षत्र वाले दिन उसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें अपने, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत आराम से कम्प्लीट होगा। ये कहने का मतलब बड़ा काम जो है वो मध्यम नक्षत्र में ना करें, बड़ा काम शुभ नक्षत्र में करें, छोटे मोटे काम मध्यम नक्षत्र में कर सकते हैं, और जो अशुभ टाइप के काम है वो अशुभ नक्षत्र में करें, तभी आपका होता है। कब्जे हटवाने हो आपने कहीं से तो इस नक्षत्र को पकड़ लीजिए, आपका कब्जा हट जाएगा, सबसे बढ़िया चीज है जी सर। ये नक्षत्र के बारे में था जी सर। इसके बाद आपने जैसे पूछा अभी के नक्षत्र कैसे निकाले हम चंद्रमा को देख के, तो सबसे पहले ये देखिए कि चंद्रमा
का नक्षत्र कैसे हम निकालें। तो चंद्रमा का आप सबसे पहले ये देखिए चंद्रमा कुंडली में कितने डिग्री का है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी यहां देखिए चंद्रमा का क्या वैल्यू है, 20-17 नहीं, टोटल एड्रेस बोलिए इसका शुरू से राशि को देखते हुए। मतलब 9 साइन पास, हाँ 9 साइन पास 20 डिग्री है ना। हाँ नाइन साइन पास 20 डिग्री की वैल्यू हो गई चंद्रमा की। अब 9 साइन पास का मतलब आपका क्या हुआ कि इसको 9 साइन को हमने डिग्री में चेंज कर दिया, तो एक साइन हमारा 30 डिग्री का होता है, तो 9 × 30 हमारा 270 डिग्री हो गया, प्लस 20 डिग्री हो गया 290 डिग्री हो गया हमारा। तो 290 डिग्री को अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड कर दें सर, लेकिन इसमें मिनट भी ये 17 जो है वो नहीं गिनने का। हाँ 17 गिन लीजिए, ये लीजिए, वो तो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया, ज्यादा काउंटिंग करते जाओ उसका। हाँ अल्टीमेटली तो आपको देखिए मिनट तक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 13 डिग्री 20 मिनट जो नक्षत्र की वैल्यू होती है वो 13 डिग्री का मतलब हुआ आपका, एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होती है, 60 मिनट के बराबर। तो 13 × 6 = 78, तो 780 + 20 यानी 13 degree 20 minutes = 800 minutes। ये वैल्यू है आपकी। हाँ, और ऊपर भी मिनट में चेंज करना, ऊपर भी मिनट में कर लीजिए आप सारा, ठीक है। 290 डिग्री मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 17 मिनट जोड़ लीजिए, उसके बाद इससे डिवाइड कर दीजिए 800 मिनट से, तो जो वैल्यू आपकी आए उसमें एक जोड़ दीजिए, वो नक्षत्र आपका होगा, वो नंबर वन नक्षत्र होगा। एक क्यों जोड़ने का सर, एक जोड़िए मत, जैसे मान लिया आपका 10.4 आ गया वैल्यू या 10.5 आ गई, तो 10 नक्षत्र तो पूरे हो चुके हैं ना, 11 नक्षत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन राउंड फिगर आई, सपोज राउंड आई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐड ही नहीं करना है ना फिर। हाँ, फिर तो ऐड तो करना ही नहीं, फिर एक नहीं। अच्छा, मतलब डिविजनल उसमें आता है, रिमाइंडर रहता है। हाँ, तो एक ऐड करना, आपका मतलब है कि 11 नक्षत्र चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब जैसे इसके अंदर आप यहाँ देखिए चंद्रमा की वैल्यू हमारी है ये 4 sin pass 17 degree 32 minutes, ये हमारी वैल्यू है। तो आपने कोई गोचर कुंडली देखी, मैं एक सेकंड में जरा बना देता हूँ इसमें, थोड़ा गोस्वामी जी का भी और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। गोस्वामी जी एक ये कुंडली है जी सर, ये मान लीजिए कुंडली आज के दिन की है, 22 जनवरी की कुंडली है, 22 जनवरी 2022 की। अभी आपने कुंडली देखी, आप कहीं जा रहे हो या आप कोई काम करने जा रहे हो, अच्छा काम करने जा रहे हो, तो आप देखना चाहते हो कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो आपने 22 जनवरी 2022 की कुंडली देखी और आपको मिला कि चंद्रमा आपका, ये कुंडली आपकी मान लिया 5 नंबर लगन की है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और चंद्रमा आपका 10 डिग्री का है कुंडली में जी सर। तो आप कैसे निकालेंगे ये कौन से नक्षत्र में जी सर, ये क्लियर नहीं हो पा रहा सर। एक साइन पास 10 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा ना, तो 2 नंबर राशि में है तो इसको लिखेंगे 1 साइन पास, वर्ष हाँ वर्षभ राशि में है सर, और 10 डिग्री। हाँ, ये लिख सकते हैं इसको 1 sin pass 10 डिग्री। हाँ, यानी 40 एक साइन की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो 40 डिग्री हो गया। हाँ, 40 डिग्री को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा मिनट हो गया, 240 हो गया, ये मिनट हमारा आ गए, और इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया सर, आ गया ना आंसर, तो 3 नंबर आंसर आ गया हमारा, थर्ड नक्षत्र में है हमारा, मतलब तीसरे नक्षत्र में है इसका मतलब। हाँ, तीसरा नंबर नक्षत्र जो है अश्वनी भरनी कृतिका, यानी चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में जी, जी। अगर यहाँ पे 3 point something आता, 1 आ जाता या 3.2 आ जाता, तो हम कहते 3 पूरे हो चुके हैं, ये चौथे नक्षत्र में है हमारा, ठीक है जी सर।
तो इस तरीके से हम चंद्रमा का नक्षत्र निकालेंगे। अब जैसे एक सेकंड मैं बताता हूं आपको, ये देखिए, अरे ये तो एग्जांपल मैंने आपको वही दे दिया जो एग्जांपल था बाय चांस, 10 डिग्री दो साइन पास वाला ही दे दिया। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इससे पहली कुंडली ले लेते हैं। चंद्रा के अलावा दूसरा भी तो प्लेनेट ले सकते हैं ना इसी तरह। अच्छा कोई, हाँ प्लेनेट दूसरा लीजिए, सॉरी इस कुंडली के अंदर आप ये लीजिए कि आपका मंगल जो है वो किस नक्षत्र में है, वो काउंट कीजिए। 6 साइन पास गिनना पड़ेगा, मुझे बता दीजिए, मैं लिखता चला जाता हूँ। 6 साइन पास 12 डिग्री 26 मिनट 12 डिग्री 26 मिनट कलानी साहब समझ आ रहा है यहाँ तक? हाँ बिल्कुल। अब 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 6 साइन को हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। 1 साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री तो 6 × 30 हो गया प्लस 12 डिग्री एंड 26 मिनट 6:30 हमारा 180 हो गया, 192 डिग्री हो गया, तो 192 डिग्री 26 मिनट। हाँ अब उसको 30 से वापस मल्टीप्लाई करें। अब 192 डिग्री को हम 192 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। हाँ 60 सॉरी हाँ, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको प्लस 21 लिख दिया इसको। वी कैन राइट दिस इन दिस वे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं बराबर है। हाँ इसको 800 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो नक्षत्र की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इससे आप निकाल सकते हैं कि मंगल आपका किस नक्षत्र में है या बुध आपका किस नक्षत्र में है। जी सर, जैसे शुभ कार्य के लिए सर हमें कौन से ग्रह का नक्षत्र देखना चाहिए? वो चंद्रमा वाला देखना चाहिए। जी सर, चंद्रमा किस नक्षत्र? और सर बाकी ग्रहों का नक्षत्र किस स्थिति में देखा जाता है? बाकी ग्रहों का नक्षत्र देखा जाता है उस स्थिति में जब हमें ग्रहों के संबंध आगे देखते हैं कि मंगल बुध के नक्षत्र में है, बुध मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल और बुध दोनों संबंधी हो गए। रिलेशनशिप जो प्लैनेट के रिलेशनशिप के लिए मैं तो सर इसमें चंद्रमा का हुआ सर, जो शुभ कार्य के लिए तो चंद्रमा का देखना हुआ मैं तो सर। हमारा नक्षत्र मेन जो होता है वो चंद्रमा का ही होता है क्योंकि शुभ कार्य भी उससे देखे जाते हैं प्लस दशा भी उसी से देखी जाती है। लेकिन दशा भी उससे डिसाइड होती है। लेकिन सर जब रिलेशन का भी तो इम्पोर्टेंस रहता है ना दशा में या प्लैनेट्स के रिजल्ट। हाँ हाँ रिलेशन का जब आएगा तो उसमें बताएंगे आपको। नहीं नहीं मेन जो आप बोल रहे हो ना कि मेन उसमें, लेकिन रिलेशन का भी तो इतना इम्पोर्टेंट, जैसे एक्सचेंज है नक्षत्र एक्सचेंज से भी रिलेशन बन रहा है या जैसे प्लैनेट्स एक दूसरे पे एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशन में है। वो 4 तरह के रिलेशन होते हैं ना, 5 तरह के। वो आपको बताएंगे अभी रिलेशन आगे आपके आएंगे तो उसके उसके अंदर वन ऑफ द रिलेशन इज कि कौन किसके नक्षत्र में है। हाँ तो नक्षत्र का भी जब हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं हाँ, तो नक्षत्र का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रहता है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ तिसाई साहब थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने दरअसल क्या है कि काफी कुछ यूट्यूब से देख के इधर से देख के काफी कुछ दिख लिया है। शास्त्रों में नक्षत्र का वर्णन सिर्फ दशा के लिए है, नक्षत्र का संबंध कहीं नहीं दिया। आप लघु पाराशरी उठा के देखिए या फलदीपिका दीजिए या बृहत पाराशर होरा शास्त्र देखिए, उसके अंदर ये संबंध कहीं नहीं होता। ये बेसिकली नितिन कश्यप जी बताते हैं थोड़ा यूट्यूब के अंदर, काफी उनको उनका भी यूट्यूब मैंने सुने हैं तो उसके अंदर वो बताते हैं। ये इसके नक्षत्र में, ये इसके नक्षत्र में, इसके दोनों अनुराधा शारदा का जो है, अनुराधा शारदा वही बताते हैं, वो तो पूरा नक्षत्र पे ही है उनका। हाँ वो आईकास वाले जो है वो बताते हैं, लेकिन वो नक्षत्र वाला वो नहीं चलता। हाँ। उसको उसको अपने दिमाग में मत रखिए, वो संबंध नहीं होता कहीं भी शास्त्रों में, वो संबंध डिफाइन नहीं है। वो उनके अपने क्रिएट किए हुए हैं, वो केपी सिस्टम वगैरह जो है, ये कस्प में कौन सा है, उपनक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र हाँ, कौन सा है, हाँ, वो वहां चलता केपी है में, केपी में हाँ, नक्षत्र पे ज्यादा हाँ वहां ध्यान देते हैं। वैदिक में तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि नक्षत्र की, नक्षत्र का मेन उपयोग आपका दशा निकालने के लिए होता है और मुहूर्त निकालने के लिए होता है, नक्षत्र का मेन उपयोग इतना आप ध्यान रखिए। ये संबंध जो बल्कि नक्षत्रों वाला है, इसको भी हम एक बार वैसे ही सरसरी निगाह से देख लेंगे, लेकिन इसको इतनी तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि इसको शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन इसके बारे में नहीं किया गया, इस नक्षत्र के बारे में कि नक्षत्रों से कोई संबंध देखे जाते हैं। इसके बाद आ गया हमारा कुंडली बंद, हमारी कुंडली तो आ गई। क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड है सर। हाँ पूछो पूछो। हाँ सर मैं ये कह रहा था जैसे अभी आपने बताया सर कि शुभ
और मध्यम तथा अशुभ नक्षत्र जो सर, तो इसमें एक क्वेश्चन आपने आंसर दिया था सर कि जैसे किसी का कब्जा वगैरह हटवाना हो तो उसको अशुभ नक्षत्र में हटवाना चाहिए। हाँ। तो सर वैसे देखा जाए तो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई, हमें हमारे फेवर में हो गया, हम कब्जा हटवा रहे हैं हमारे फेवर में हो गया, तो हम जो शुभ नक्षत्र में ना कर 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 रहे सर इसको मतलब नहीं, वो ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई कब्जा हटवा रहे हैं तो हमारे लिए तो फेवरेबल हो गया, ठीक है सर, लेकिन जिसका हटवा रहे हो उसका तो बेचारा का अनफेवरेबल है ना, बहुत उसका अगेंस्ट ही है, वैसे वो विध्वंस ही हो रहा है ना, तो विध्वंसक कार्य है ना बेसिकली, वो विध्वंसक की बात कर रहे हैं हम कि जहां विध्वंस हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए मतलब हम लोगों के लिए अशुभ नक्षत्र में करें वो शुभ रहेगा। हाँ, मतलब विध्वंसक वाले कार्य जितने भी हैं, चाहे आग लगाना हो, पहाड़ में ब्लास्ट करना हो, टनल बनाते हैं जैसे पहाड़ों के अंदर, तो ब्लास्ट करके बनाते हैं, सब चीजें आपको अशुभ नक्षत्र में, जैसे पाप पाप ग्रह जो है उसका जो हमने सीखा था वैसे हुआ ना ये, वैसे ही। हाँ, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है नक्षत्रों के बारे में, तो ये हमने नक्षत्र निकालना सीखा। अब गोस्वामी जी चरण नक्षत्र निकाल लेंगे, अभी अब दिक्कत है अभी भी नक्षत्र निकालने में? नहीं, बहुत बहुत क्लियर करा आपने, बहुत अच्छी तरह समझाया सर, आया समझ में सर। प्रकृति जी समझ में आया नक्षत्र निकालना? हाँ जी, प्रकृति जी को हाँ जी हाँ जी, अभी तो आया नहीं पूरा समझ में लोगों को। हाँ देखिए, मैं वही इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ इसी रिकॉर्डिंग एक बार देखेंगे ना तो, मतलब ये बहुत जरूरी है सर, ये जो आपने आपने इसमें जो 21 लिखा है, एक्चुअल 26 होगा ना, 192 ठीक है ना, तो ये इस तरह से निकालते हैं। अब जैसे आप में से कोई नक्षत्र निकालिए ना किसी का, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि, प्रकृति जी आप कोशिश कीजिए, ये जुपिटर का नक्षत्र निकाल लिए, जुपिटर किस नक्षत्र में है? कैसे लिखूं बताइए, मैं क्या लिखूं पहले? हाँ लिखो, यहाँ पे दोस्तों समझ में आएगा। चार साइन पास, चौदह डिग्री 42 मिनट है ना, जुपिटर की वैल्यू लिख दी हमने, 14 डिग्री 42 मिनट, ये वैल्यू लिख दी। तो जुपिटर हमने देखना है कि बृहस्पति हमारा किस नक्षत्र में है, तो बृहस्पति की वैल्यू हमने लिख दी, 4 साइन पास 14 डिग्री 42 मिनट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 साइन पास, 4 साइन का मतलब वो एक साइन इज इक्वल टू होता है 30 डिग्री, तो ये 4 × 30 हो गया, तो इसको हमने डिग्री में चेंज कर दिया, तो ये 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री ये हो गया, 14 डिग्री ये है, तो ये 134 डिग्री 42 मिनट हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। कलानी साहब? हाँ ठीक है। हाँ, अब 134 डिग्री को हमने मिनट में चेंज कर दिया, 134 × 60 मिनट हो गए, प्लस 42 हमने जोड़ दिया इसके अंदर मिनट, 42 कर, अच्छा ये 42 मिनट ये वाले जोड़ेंगे ना इसके अंदर, हमने डिग्री इसको मिनट में चेंज किया है खाली, और जब मिनट ये सारे मिनट निकल जाएंगे इसको 800 मिनट से डिवाइड कर देंगे, 800 मिनट इसलिए क्योंकि एक नक्षत्र की वैल्यू होती है 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट का मतलब हुआ 13 डिग्री से हमने निकाला, 1 डिग्री 60 से हुआ, तो 780 + 20 = 800 मिनट, तो 800 मिनट से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी फिर नक्षत्र आपका आ जाएगा, ठीक आया प्रकृति, समझ में आ गया अब? हाँ देखो ये हो ना, एक नक्षत्र की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, एक नक्षत्र मैंने आपको बताया 13 डिग्री 20 मिनट का, यस सर, ठीक है, यस सर, तो मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यस सर, ठीक है, तो 13 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 13 × 60, यस सर, तो 13 × 60 हुआ 13 × 0 = 13 × 78 780 मिनट हो गए, यस सर, तो 780 मिनट तो ये हो गए, और 20 मिनट ये ऑलरेडी है इधर, तो कितने हो गए, 800 मिनट हो गए,
यस सर। तो एक नक्षत्र की वैल्यू आ गई 800 मिनट। जी सर। तो ऐसे ही जिस ग्रह के लिए हम नक्षत्र निकाल रहे हैं उस ग्रह को पूरा मिनटों में चेंज कर लो आप, और मिनटों में चेंज करके फिर आप 800 डिवाइड करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा नक्षत्र कौन सा आ गया। समझ आया? आप समझ जाइए सर, अब तो बहुत हो गया। चलिए अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा, थोड़ा उससे और आइडिया हो जाएगा। तो ये आपको मैंने नक्षत्र निकालना सिखा दिया, यहाँ तक तो मेन इम्पोर्टेंट था। हाँ कल कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा और सर। हाँ कल प्रैक्टिस कीजिएगा इसका तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नक्षत्र निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र निकालना जरूर सीखिए थोड़ा सा। ऑल्दो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारा लिस्ट ऐसे बनी बनाई मिलेगी, ये सॉफ्टवेयर की लिस्ट है बनी बनाई, इसमें दिया हुआ है कि मंगल आपका उत्तरा फागुनी में है, बुध आपका विशाखा नक्षत्र में है, बृहस्पति आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में है। लेकिन ये तो दिया हुआ है, लेकिन बृहस्पति ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया, वास्तव में ज्येष्ठा नक्षत्र में है या नहीं है, तो कम से कम आपको भी चेक करने आना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर कहीं ऐसी तो नहीं है कि नक्षत्र में किसी में दिखा दिया उल्टा सीधा, जैसे एस्ट्रो सेज में हो जाता है कई बार। लेकिन सर ये पद कैसे निकला फिर? अब ये कुंडलियन वगैरह सब हिंदी में ये ज्यादा अच्छा है। ये जो पद निकला ना आपने, कौन से पद का है? फोर्थ, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा? अच्छा नक्षत्र तो आपने लिया बराबर है, मान लो कि ये जो है वो विशाखा नक्षत्र में है सर, ठीक है बराबर है। लेकिन ये जो आपने जो पद लिया सेकंड उसमें है, वो कैसे लिया? देखिए बिल्कुल उसी कैलकुलेशन में आएगा वो भी, क्योंकि डेसिमल से प्लेस आएंगी ना उसी में आएगा, क्योंकि एक एक पद कितना होता है, एक पद 3 degree 20 minutes के बराबर होता है। अच्छा तो एक पद हमारा होता है 3 degree 20 minutes के बराबर, यानी 3 degree वो हमारा 200 minutes। हाँ तो 800 मिनट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद 200 मिनट बचा हमारा अगर बैलेंस, मतलब तो हम कहेंगे कि एक पद निकल चुका है हमारा। हाँ लेकिन एक निकला है और दूसरा अभी तक, मतलब शुरू कहाँ से? फिर शुरू 200 मिनट के बाद होगा ना दूसरा। हाँ तो 201 पे होगा, 201 मतलब एग्जैक्ट पहले वो नहीं, लेकिन उसको किस में गिनेंगे आप, पहले पद में गिनेंगे या दूसरे में? एग्जैक्ट मान लो 200 आया तो वो पहला पद है, तो फिर पहला। हाँ 201 होते ही वो दूसरा पद हो गया आपका, कि दूसरा पद चल रहा है, मतलब ग्रेटर देन 200 तो दूसरा पद, दूसरा पद हो गया। तो यही बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो बैलेंस आया होगा बृहस्पति के अंदर, वो आपका ज्येष्ठा में 200 से ऊपर आया होगा, तो इसलिए दिखाया कि दो पद से ऊपर चल रहा है आपका। ठीक है, यहां तक आप निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई बाई चांस कहीं आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है तो मुझसे, कल हमारी क्लास है तो कल हम एक बार फिर दोबारा से। तो आपने इसमें तो एसेंडेंट का भी निकाला है? हाँ तो लग्न का भी निकाल, जो डिग्री जैसा एसेंडेंट डिग्री है उस पे लेने का ना, उस पे लेना है खाली बस। तो फिर उसमें साइन तो नहीं गिनने के ना? नहीं क्यों नहीं गिनेंगे? अब लगन मान लिया, कितना लगन, कौन सा नंबर है आपका? 5 number है। अच्छा ओके ओके, मतलब 4 sign pass ऐसा, 4 sign pass। ओके ओके ओके, 26 degree 59 minutes। तो इसका आपने नक्षत्र निकाल लिया कि लगन आपका किस नक्षत्र, मतलब एरीज एसेंडेंट है तो फिर फर्स्ट पहले में आ गए। एरीज एसेंडेंट है तो वो हो जाता है 0 sign pass। यस ओके ओके, यानी 0 sign हो चुके हैं, 0 sign pass हो चुके हैं पहला साइन। लेकिन सर ये 27 नक्षत्र, वैसे तो एक 28वां भी नक्षत्र है ना? वो मुहूर्त में आएगा अभिजीत, इसके अंदर नहीं है ये 27 नक्षत्र का प्रेडिक्शन में हमारा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन में हमारा इस्तेमाल इन 27 नक्षत्रों का ही है, बाकी नहीं। आपने बोला ना कि ये मुहूर्त निकालने में ज्यादा काम में आता है, इसलिए मैंने बोला। अभिजीत मुहूर्त के अंदर आता है, 28वां नक्षत्र अभिजीत का आता है अलग से, उसके लिए अलग से मुहूर्त, वो चैप्टर एक पूरा अलग है कंप्लीट, कि 28 नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त कैसे लेते हैं, क्योंकि देखा होगा ना कई सिक्किस फैमिली में लेते हैं अभिजीत नक्षत्र का, अभिजीत मुहूर्त लेते हैं, संडे के दिन शादी कर लेते हैं कुछ समय से, कुछ समय तक के लिए अभिजीत मुहूर्त माना जाता है ऐसे करके। तो वो आपका आएगा मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त अगर आप कहेंगे तो एक क्लास आपकी मुहूर्त की ले लेंगे, उससे वो क्लियर हो जाएगा सारा, मैं बता दूंगा। तो बाकी इतना ध्यान रखिए कि ये 27 नक्षत्र हैं और इस तरह से हम नक्षत्र निकालते हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा बचा है वो कल हम ले लेंगे, ज्यादा नहीं है, योग और कर्ण दो चीज बची है हमारी, योग और कर्ण ये भी निकाल लेंगे, और कल फिर हम लोग भाव भावेश्वर कारक स्टार्ट करेंगे इसको निकालने के बाद।
तो कल से काफी मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सब लोग, हम क्लास अटेंड करें अच्छा रहेगा। तो सर और, आपका जो जो वो वीडियोस जो आपने रखे हैं यूट्यूब पे महादशा वाले, हाँ वो 10 अभी तक 10 पार्ट या ऐसा कुछ आया है आपके? जी जी जी। तो वो कौन सा वाला, यही जो हम पढ़ेंगे वही है वो चीज? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे आप उसको एकदम, मैं सब चीजें आपको शास्त्रों से लिमिटेड पढ़ाऊंगा सारी, और उसके अलावा जो और भी शास्त्र हैं उनका भी लेके आपको पढ़ाऊंगा मैं, उससे भी ज्यादा मिलेगा। एक ये है कि जैसे महादशा का अपना हो जाए तो फिर जो लाइव आप हम कुंडली का चेक करेंगे तो ज्यादा वो रहेगा ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुंडली का पूरा हम लोग चेक करेंगे ना, जैसे कुंडली जब हम लेंगे तो ऐसी करेंगे जैसे आपने कोई ये कुंडली दे दी आपको कोई जानने वाले हैं, या कलानी साहब ने कोई कुंडली दे दी, या प्रकृति जी ने कोई कुंडली दे दी, उस कुंडली को हम लोग बैठ के स्टडी करेंगे सारा। ओके। तो उससे हमें आइडिया होगा कि हाँ भाई ये इस तरह की चीजें हैं या नहीं है, हम बात करेंगे भाई इनका धन कैसा है, इनका स्वास्थ्य कैसा है, इनका पराक्रम कैसा है, इनका सुख कैसा है, मकान वाहन का कैसे इनका हिसाब किताब है, तो वो सब चीजें हम लोग धीरे धीरे चेक करेंगे जब हम भावेश कारक वगैरह पढ़ेंगे और दशा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुंडली एनालिसिस में चलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और जो दशा आपने YouTube पे पढ़ी है उसको तो देखिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे बहुत कुछ ज्यादा आपको मिलेगा यहाँ। हाँ नहीं, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ताकि जो आप जब चलाए तो थोड़ा बहुत, हाँ नहीं देखिए देखिए वेवलेंथ मैच हो जाए ना, तो ज्यादा इजिली अंडरस्टैंड हो जाता है वो, इसलिए मैं देखना जरूरी है। चक्कर यह है कि मैं वहां पर कुछ चीजें इसलिए भी नहीं बताना अभी बता रहा, क्योंकि अगर बताऊंगा तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या चीज बता रहा है, एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा व्यूअर है, बहुत कम व्यूअर होते हैं, दूसरा अगर मैं कोई चीज ऐसी बताना शुरू कर दूंगा तो वो कहेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं, और लोगों को मजा आता है उस चीज में जब आप एक अपना स्लोगन रख दें उसके अंदर के चौथा भाव देखिए आपका धन ही धन की वर्षा होगी, आपका ये वर्षा होगी, ऐसे ऐसे स्लोगन रख देते हैं तो लोगों को मजा उसमें आता है, वहां आपको 1,00,000 व्यू मिल जाएंगे, 30,000 व्यू मिल जाएंगे, 40,000 व्यू मिल जाएंगे, जहां आपने नाम रखा कि दशा फल सूर्य की दशा में इसका फल, तो वहां आपको कौन मतलब जो पढ़ना चाहता है रियली वही देखेगा उस चीज को। सही है सर, हर कोई तो देखेगा नहीं, तो हाँ तो उस केस में क्या है कि उतनी चीज रखी जाती है जो नॉर्मली वो बंदा समझ सके, और उसमें भी अगर हम बहुत एडवांस दशा रख देंगे, वो एडवांस गोचर रख देंगे, तो वो भी कंफ्यूज कर जाएगा, वो समझ जाएगा पता नहीं यार ये क्या चीज बता रहे हैं, सब चीज गड़बड़ हो रही है, तो इसलिए वो सोच समझ के हम लोग बताएंगे, जो आपको बताएंगे वो बहुत कुछ बताएंगे। और सर ये जो आपने जो मान लो ये पंचांग जो आपने बताया, तो कैसे उसको पढ़ते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी आप थोड़ा बहुत समझाएंगे कल? वो ले लेंगे पंचांग, थोड़ा आप पंचांग अपने हाथ में ले लीजिएगा, मैं भी ले लूंगा, 2 मिनट बता देंगे कुछ। हाँ वो देख लेंगे, वो कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है सर, आज का लेते हैं, कल हम लोग मिलेंगे 9:30 सर। तो अब लेते खत्म करते हैं, तो नमस्कार 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 नमस्ते 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 भैया नमस्ते सर नमस्ते।